हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हाय, मैं हूँ जीविका और मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप ब्यूटी से रिलेटेड। इसके लिए आप मेरा इंट्रो चैनल भी चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको फाउंडेशन कब यूज़ करना है एंड सीसी क्रीम आपको कब यूज़ करना है। तो इनमें डिटेल में वीडियो होने वाली है ये कि आपको कौन से फंक्शन में ये लगाना है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको पूरा एंड तक देखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए बिना स्किप किए। तो गाइज, प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे भी डेली पोस्ट अपलोड करती रहती हूँ। तो गाइज, वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। ये वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में बना देना जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी की। मैं बात करूँ गाइस, तो फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू कोई सी भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम अगर आप ले हो तो। सीसी क्रीम जो गाइस होते हैं, ये स्टेक वर्गे की सीसी क्रीम है। इसके अलावा और भी सीसी क्रीम एंड बीबी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। उनकी जो कंसिस्टेंसी की मैं बात करूँ गाइस, तो वो भी लिक्विडी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी इस वाले प्रोडक्ट में, इस सीसी एंड बीबी क्रीम में। जो भी मैं बातें बताने वाली हूँ इस वीडियो में आपको ध्यान से सुनना है। तो शादी, फंक्शन, पार्टीज वगैरह में जाना है गाइस, तो आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन। फाउंडेशन की जो कवरेज होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बीबी एंड सीसी क्रीम। एंड देन सीसी क्रीम की मैं बात करूँ गाइस, तो इसकी जो कवरेज होती है वो लाइट होती है। तो इसको आपको नॉर्मली डेली यूज़, अगर आप डेली ऑफिस, स्कूल, कॉलेज अगर आप जाते हो तो आपको ये सीसी क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ही डिसेंट होती है जिससे आपका जो मेकअप है वो नेचुरल दिखता है। शेड रेंज की मैं बात करूँ गाइस, तो शेड रेंज आपको फाउंडेशन में ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू बीबी एंड सीसी क्रीम। इसमें आई थिंक आपको अच्छे खासे शेड्स मिल जाएंगे फाउंडेशन में। ये नॉर्मल स्किन अगर गर्ल है या फेयर है या डार्क स्किन टोन वाली गर्ल्स है, उन सबके शेड अवेलेबल होते हैं फाउंडेशन में। बट सीसी क्रीम की मैं बात करूँ गाइस, तो सीसी क्रीम में कोई भी शेड अवेलेबल बहुत कम होते हैं, बोलूँ मैं प्रॉपरली। तो इसमें जो डार्क स्किन गर्ल्स हैं उनके लिए शेड बिल्कुल भी नहीं होता है। सीसी क्रीम बनाई इस पर्पज़ के लिए जाती है, मतलब इसके जो शेड वगैरह रहते हैं वो सिर्फ फेयर टू मीडियम गर्ल्स टोन के लिए ही बनाए जाते हैं। डार्क स्किन टोन वालों गर्ल्स के लिए इसमें शेड अवेलेबल नहीं है। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है, अगर आपको सीसी या बीबी क्रीम अप्लाई करना है तो आपको अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है। तो फाउंडेशन अगर आप यूज़ करते हो तो फाउंडेशन के लिए आपकी स्किन को सबसे पहले आपको प्रेप करना होता है, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा कवरेज देता है, इसलिए आपकी स्किन को भी ज़्यादा प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है स्किन केयर। स्किन केयर पर आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे से ध्यान देना है। CTM प्रॉपरली यूज़ करना है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, देन प्राइमर अप्लाई करना है, देन उसकी बारी आती है फाउंडेशन की। एंड अगर आप जाते हो सीसी या बीबी क्रीम पे गाइस, तो इसमें आपको स्किन पे कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं। नॉर्मली आपने सीसी क्रीम लिया और अपने फिंगर की हेल्प से ऑल ओवर पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एज सच कोई अपने फेस को प्रिपेयर नहीं करना होता है, क्योंकि इसी के अंदर ही सब कुछ इंक्लूडेड होता है, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, सब कुछ, सनस्क्रीन भी इसमें अवेलेबल होता है। इसलिए सीसी क्रीम को अप्लाई करने से पहले कुछ भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं बात करती हूँ, अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हो तो आपको इसे ब्लेंड किस टूल से करना है। आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हो गाइस, तो उसको जो ब्लेंड करने का तरीका होता है वो अलग होता है, सीसी क्रीम को आपको अलग तरीके से ब्लेंड करना है। तो अगर आप जाते हो पार्टी फंक्शंस में और आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, तो फाउंडेशन के लिए गाइस आपको यूज़ करना है एक ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे बहुत ही आपका फेस केकी नहीं दिखेगा। अगर आपने अपने फाउंडेशन को फिंगर की हेल्प से ब्लेंड किया तो वो बिल्कुल केक ही दिखने लग जाएगा, एक तरफ ज़्यादा, कुछ तरफ है ही नहीं, कुछ तरफ बहुत कम, इस टाइप से आपका फाउंडेशन लगेगा। इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर का जो काम होता है वो आपके स्किन में जो फाउंडेशन उसे अच्छे से इवनली ब्लेंड करना होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ी ज़्यादा कवरेज चाहिए फाउंडेशन, तो आपको यूज़ करना है एक फ्लैट वाला ब्रश।
ब्रश की हेल्प से आपको करना है, और आपको जो ब्लेंड करना है इन दोनों की हेल्प से, ब्रश या फाउंडेशन, आपको हमेशा डैप डैप करके करना है, ना कि स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने से आपका जो फाउंडेशन है वो रिमूव हो जाएगा अपनी प्लेस से, इसलिए आपको हमेशा डैबिंग मोशन में ही फाउंडेशन को ब्लेंड करना है और फिंगर की हेल्प से बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं बात करती हूँ सीसी क्रीम की, तो गाइस सीसी क्रीम को आप नॉर्मली फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करें, क्योंकि फिंगर की हेल्प से अगर आप ब्लेंड करोगे तो आपको कवरेज ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने फाउंडेशन की तरह ही स्पॉन्ज वगैरह ले लिया सीसी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए, तो इससे जो कवरेज है वो बहुत कम हो जाएगा। ऑलरेडी सीसी क्रीम में कवरेज होता नहीं है, और इससे अप्लाई ब्लेंड करने के बाद में और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए आपको सीसी क्रीम या बीबी क्रीम अगर आप यूज़ करते हो तो आपको जो उसकी ब्लेंडेबिलिटी है वो अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल जैसे क्रीम वगैरह लगाते हो। और फाउंडेशन और सीसी क्रीम की खास बात ये होती है कि अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन पर प्रॉपर्ली दिखता है कि हाँ आपने फाउंडेशन यूज़ किया है। बट अगर आप सीसी क्रीम यूज़ करोगे तो ये कुछ ही मिनट बाद आपके स्किन टोन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए और बिल्कुल नेचुरल दिखेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई सा मेकअप किया है, बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आता है। इसलिए आपको कहीं पर भी डेली यूज़ के पर्पज़ से आप कुछ लेना चाहते हो तो मैं आपको सीसी क्रीम ही रेकमेंड करूँगी। फाउंडेशन को अप्लाई कैसे करना है आपको हमेशा मैं आपको अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो रेगुलरली तो मैं आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन को आपको अप्लाई करना है डॉटिंग फॉर्म में, पूरे फेस पे डॉट डॉट करना है, देन उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एकदम से ही आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने जिससे आपका फाउंडेशन केकी दिख सकता है, कम कम में लगाओ, लेयर अप में लगाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड जो सीसी क्रीम होता है उसे नॉर्मली आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, डॉटिंग फॉर्म में लगा लो और पूरा अपनी फिंगर की हेल्प से इजीली ब्लेंड कर लो, जैसे नॉर्मली आप मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करते हो वैसे ही आपको ब्लेंड कर लेनी है, एंड दैट्स इट। अगर आपकी स्किन पर ब्लैमिशेस है, पिंपल के पिगमेंटेशंस है, या आपको छोटे मोटे पिंपल हो रखे हैं, या कुछ प्रॉब्लम हो रखी है आपके फेस पर, मतलब आपका जो फेस है वो बिल्कुल भी इवन नहीं है, तो आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन। फाउंडेशन की गाइस कवरेज ज़्यादा होती है, इस वजह से आपकी जो पिगमेंटेड एरिया है, ब्लैमिशेस है, एक्ने वगैरह को ये ईजिली हाइड कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड मैं बात करती हूँ अगर आपकी स्किन बहुत ही प्लेन है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस पर, तो आपको यूज़ करना है सीसी क्रीम, क्योंकि इसमें कोई कवरेज नहीं होती तो ये आपके एक्ने वगैरह को इजीली हाइड नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आपके फेस पर कुछ भी दाग वगैरह कुछ नहीं है तो आपको ये रेकमेंड करूँगी। अब मैं अपनी बात को बिल्कुल समअप करूँगी कि अगर आप हल्का फुल्का मेकअप चाहते हो ऑफिस पार्टी, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर मेकअप हो, तो आपको यूज़ करना है सीसी क्रीम, क्योंकि इसका कवरेज कम होता है, बहुत नेचुरल दिखती है, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। और इसको सेट करना है नॉर्मल ही पाउडर से, आपको सेट करके ख़त्म कर लेना है। अगर आपने इसे पाउडर से सेट नहीं किया तो गाइज ये आपके फेस से उड़ जाएगा सीसी क्रीम, इसलिए पाउडर से लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इधर मैं बात करूँ अगर आपको पार्टीज़, फंक्शंस, मतलब कुछ ज़्यादा फेस पे ज़्यादा कवरेज की रिक्वायरमेंट है, तो गाइस आपको यूज़ करना है फाउंडेशन। ये मैं लैक्मे का फाउंडेशन है, इसमें मेरा शेड है नेचुरल मार्बल, इसका जो शेड है वो 50-50% है, और मार्केट में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन भी अवेलेबल है जिनका फुल कवरेज होता है, जैसे लॉरियल का परचेज कर सकते हो, मेबेलिन की परचेज कर सकते हो, और भी बहुत सारी ब्रांड है जिनके आप फुल कवरेज फाउंडेशन ईजिली परचेज कर सकते हो। फाउंडेशन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इस जैसे मैंने आपको बताया कि इसको यूज़ करने से पहले आपकी स्किन को प्रैप करना पड़ता है, और प्राइमर लगाना बिल्कुल भी मत भूलना फाउंडेशन के पहले। अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया डायरेक्टली अपनी स्किन पे तो आपकी स्किन पे हो सकते हैं ब्रेकआउट्स, पिंपल्स की प्रॉब्लम, जो कि सबको ही गंदी लगती है, तो इसलिए प्राइमर अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई होप गाइस आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से फंक्शन में आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है, एंड कौन से फंक्शन में अगर आप जाते हो हल्का फुल्का मेकअप के लिए तो आपको सीसी क्रीम या बीबी क्रीम यूज़ करनी है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा इन दोनों का यूज़।
तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बना देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना गाइज। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइज़।